अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं हमने कहाँ तक काम किया था। हम लोगों ने ऑडियो टैग के अंदर काम किया था और लास्ट टाइम हमने बनाया था वीडियो टैग, ठीक है ना। वीडियो टैग कोडिंग की थी हमने यहाँ पे, और ये वाली हम लोगों ने जगह छोड़ी थी यहाँ से लेके यहाँ तक कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वीडियोज को ऐड करेंगे। तो आज सबसे पहले हम काम कर लेते हैं ये वाले, ये जैसे ये सॉन्ग्स का हम लोगों ने किया था ना काम, आज हम लोग यहाँ पे इसके अंदर काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे सॉन्ग्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, ऑडियो सॉन्ग्स या ऑडियो कोई भी चीज़ को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं अपने सबलाइन को। स्टूडेंट, मैं करता हूँ कि जितने लेक्चर आप ले रहे होंगे आपको ये समझ आ रहा होगा, स्टेप बाई स्टेप ये सीखते रहे हैं। HTML तो हमने सिखा दिया, CSS सीखने, CSS में आपको काफ़ी सारी चीज़ें, एडवांस किस्म की लैंग्वेज चाहिए। अच्छा जी, ये हमारे पास ऑडियो टैग है HTML का, जिसके अंदर हम लोगों ने काम किया है। इसमें ये देख लें, अगर कोई स्टूडेंट न्यू है तो वो यहाँ से इजीली आके कॉपी कर सकता है यहाँ इससे और कंटिन्यू कर सकता है। अब ओपन कर लेते हैं अपने पास CSS, ये हमारे पास एक्सटर्नल CSS, तो यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। और हम लोगों ने स्टूडेंट आज हमने काम करना है इसके अंदर, तो यहाँ पे आते हैं। ये सॉन्ग टाइटल हमारे पास चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हम इंडियन सॉन्ग नहीं, अब मैंने अखी इंडियन सॉन्ग लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे आके एक सॉन्ग ऐड करना है। हम यहाँ पे अब क्या करते हैं जी स्टूडेंट, एक टैग यूज करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, और वो टैग है जी ऑडियो का, ऑडियो टैग स्टार्ट, ऑडियो टैग क्लोज, सिंपल। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि तरतीब सही बनी रहे। देखिए, ये ऑडियो टैग स्टार्ट और ऑडियो टैग हमने कर दिया क्लोज। अब इसके अंदर आके हमें सेम वही काम करना है जो हम पिक्चर को इंटर करने के लिए करते हैं, ठीक है। लीजिए, SRC मैंने लगा दी है पिक्चर के ऐड करने के लिए। अब मैंने इसको कमांड देनी है, और वो क्या कमांड देनी है, मैंने कहना है कि ये ऑडियो के अंदर जाए, ऑडियो वाले फोल्डर के अंदर जाए, और यहाँ पे जाके ये ABC वाला इसको पुट कर दें, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी ये ऑडियो टैग के अंदर जाए, फोल्डर के अंदर वहाँ जाके ABC को लेके। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है, जिस तरह हम पिक्चर को ऐड करते हैं उसके साथ हम उसका फॉर्मेट ज़रूर लगाते हैं कि वो PNG में है या JPG में है, तो इस तरह इसका फॉर्मेट लगाना ज़रूरी है, वो है MP3। क्योंकि ऑडियो सॉन्ग लगाया है मैंने यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि MP3। अगर यहाँ पर कोई वीडियो सॉन्ग होता तो हम उसका MP4 लगाते, ठीक है। अब मैंने इसको कह दिया जी MP3 में यहाँ पे वीडियो ऑडियो सॉन्ग लगा दें। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं जी अभी तक तो सिर्फ यही हमारे पास आया, ये अखियां, और यहाँ पे अभी तक कुछ भी हमारे पास अवेयर नहीं हुआ। तो इसके लिए स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके सिंपल एक चीज देनी है कमांड, वो क्या है जी कंट्रोल्स। मैं कहता हूँ इसको कंट्रोल्स करें, सेव कर दिया। अब कंट्रोल किसको करें, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो सॉन्ग है ना, मैंने इस सॉन्ग्स के बारे में बोला है कि इसको क्या करें, इसको कंट्रोल करें। अब यहाँ पे आके करते हैं जी रिफ्रेश। अब स्टूडेंट जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला हिस्सा खाना बन के आ चुका है, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अगर हमारे पास यहाँ से क्या होगा, सॉन्ग हमारा म्यूट में हो जाएगा। अगर आप साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, वॉल्यूम को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। एक और चीज स्टूडेंट, ये वाले ऑप्शन का क्या फायदा है, अब यहाँ पे हम लोगों ने काम किया, इसका फायदा ये है कि जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ गया प्ले बैक स्पीड। अब ये देखिए कितनी एडवांस किस्म की लैंग्वेज है, प्ले बैक में कहता हूँ इसको 2 पे करते हैं, ये देखिए। अब जैसे मैंने इसको 2 पे बोला है, इसी तरह आप इसकी स्पीड स्लो करते हैं, पहले की स्पीड थोड़ी सी स्लो और स्लो करते हैं, यहाँ पे आते हैं, कितनी स्लो स्पीड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कॉपीराइट का और कॉपीराइट ना आ जाए तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसा करते हैं बगैर कॉपीराइट वाली को उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पहले तो हम ये सॉन्ग वाले टाइटल में जाते हैं, इसको जाके यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं जी, यू ट्यूब म्यूजिक।
अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम लोगों ने ऑडियो को टैग लगाना है। यहाँ पे मैं ऑडियो को टैग लगाऊंगा, ऑडियो टैग स्टार्ट करेंगे, ऑडियो टैग क्लोज करेंगे, SRC लगाएंगे। ठीक है, लगाने के बाद उसके भी बोलो कि ऑडियो में जाए और जाके वहाँ से ABC1.MP3 वाले को उठा लाए और उसको क्या करे, कंट्रोल करे। यहाँ पे मैंने कर दिया सेव, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट। लेकिन ये देखें यहाँ पे सॉन्ग का ऑप्शन कोई भी नहीं आ रहा प्ले का। किस वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑडियो के अंदर ABC1 का कोई भी सॉन्ग पड़ा ही नहीं है MP3 के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास कॉपीराइट फ्री पड़ा है, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करते हैं यहाँ पे और इसका नाम दे देते हैं जी, क्या नाम देते हैं, ABC1। अब ये देखिए मैंने गाना बाद में यहाँ पे रखा है MP3, लेकिन कमांड मैंने पहले दी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे तो उसने कमांड को मान लिया, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे खाली जगह उसने छोड़ दी थी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसको मैं करता हूँ सिंपल सा रिफ्रेश। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए जी, ये यूट्यूब म्यूजिक आ चुका है। यहाँ पे करना है स्टूडेंट इसको प्ले। ठीक है, अब हमने इसको प्ले करना है यहाँ पे। अब देखिए जैसे प्ले करते हैं तो ये हमारे पास चल पड़ा। अब मैं चाहता हूँ इसका इंक्रीज हो जाए, इसकी प्लेबैक स्पीड थोड़ी तेज करते हैं, 1.5 करते हैं। ठीक है, इसका हम साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब एक के साथ ये दूसरा, ठीक है, इस तरह हम साउंड भी चला सकते हैं, जो आप चाहें इसीलिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है यहाँ पे डाउनलोड का, अभी हमने उसको यूज नहीं किया, हम यूज कर सकते हैं ये डाउनलोड। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक चीज और ऐड करते हैं, वो है इसका सॉरी ये बॉर्डर, बॉर्डर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मैं चाहता हूँ इसके बॉर्डर को थोड़ा सा दिलचस्प बना देते हैं। ठीक है, और वो अच्छा ऐसा करते हैं, पहले सबसे पहले इसको ओपन करते हैं अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर, देखते हैं वहाँ भी ये ऐसे ही हमारे पास मौजूद है, इसी शेप के अंदर ये थोड़ा सा चेंज है, तो देखते हैं स्टूडेंट क्या फर्क है इसके अंदर। चलें जी, यहाँ पे करेंगे अलाउ ब्लॉक कंटेंट, कुछ चीज़ें ब्लॉक हो जाती है, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें नीचे आते हैं, ये देख स्टूडेंट यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हर ब्राउजर का अपना कंटेंट होता है, अपनी उसकी होती है सारी सेटिंग। अब इसकी सेटिंग ये है, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं अपने दूसरे ब्राउजर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या डिफरेंस है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होती है। अच्छा, इसी के साथ ना मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने सैन ब्राउजर के अंदर, ठीक है, ताकि लोडिंग ना ज़्यादा हो और ये दोनों चीज़ें हमारे पास टाइम जाए के बिना ओपन हो जाए। ये मैं इंटरनेट एज के अंदर इसको ओपन कर रहा हूँ अपने पास। यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास। ये हमारा बैकग्राउंड तो आ चुका है, कलर बैनर आ चुका है, मेन्यू आ चुका है, स्लाइडर आ चुका है। अब हमने जाना है नीचे की जाने। अब ये देखें इसमें और ब्राउजर के इस बारे में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस किस में आया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर इसमें फर्क आ चुका था, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है। अब डाउनलोड करो, मैं आपको स्टॉप कर कैसे लगाते हैं इसके बाद। अभी फायरफॉक्स नहीं है, लेकिन नहीं तो आपको फायरफॉक्स के अंदर भी मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है सर, तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है जी, सॉरी, ये हमारे पास ओपन हो चुका है जी सैंड ब्राउजर। अब
सैंड ब्राउजर हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कैसी हमारे पास इसकी कोडिंग शो हो रही है, वैसे ही शो हो रही है जैसी दूसरे ब्राउजर के अंदर हो रही है या डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब ये देखिए इसकी जो कोडिंग है ना वो डिफरेंट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर से कुछ कुछ मेल खाती है हमारे HTML ब्राउजर के अंदर, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या चीज है आप देख सकते हैं। क्या डिफरेंट है वो ये है कि इसमें प्ले स्पीड का ऑप्शन ही यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड इसको करता हूँ प्ले, लेकिन यहाँ पे आके जब इसे हम राइट क्लिक करके इसका भी आ जाएगा हमारे पास कि लूप। ठीक है, मैं लूप पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं लूप पे क्लिक करने के हमारे पास कोई चीज आती है, हमारे पास कोई भी चीज नहीं आई। अब इसका मतलब ये है कि इसको हमने स्पीड को कम डाउन करने के लिए मुश्किल है कि यहाँ पे हमारे पास स्पीड चलिए कैश फायर। देखिए इसका क्या होती है, पार्ट वाइज कैश कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोग स्पीड इसकी अप डाउन नहीं हो रही। हाँ कॉपी चल रही है, प्ले चल रहा है, सेव कुछ नहीं होगा, इंस्पेक्ट हो जाएगा वो आपको पता है, जिस दिन इंस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास अवेयर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास चल रहा है, अगर यहाँ पे मैं इसको खत्म करना चाहूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैं इसको यहाँ से कहता हूँ कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल खत्म करते हैं, और जैसे कंट्रोल खत्म किया यहाँ से ये खत्म हो चुका है, लेकिन ये हमारे पास यहाँ से खत्म हुआ है। सॉरी इसको खत्म कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं वहाँ से कंट्रोल खत्म होता है, यहाँ से नहीं खत्म होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।